यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम जुड़े हुए हैं शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए। दोस्तों आप हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन तो जरूर एक्टिव कीजिए ताकि पल पल की सारी अपडेट जो है वो आप तक पहुँचती रहे। तो जैसा कि दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, नॉन मेरिट को शामिल करने का मेरिट वालों ने किया विरोध। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि नॉन मेरिट को शामिल करने का मेरिट वाले विरोध कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि भाई जिस प्रकार से नॉन मेरिट और मेरिट का मामला अब काफ़ी पेचीदा होता जा रहा है, और जिस प्रकार से नॉन मेरिट वाले का विरोध कर रहे हैं, वहीं मेरिट वाले नॉन मेरिट वाले का विरोध कर रहे हैं। तो ये आपस में लड़ाइयाँ जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि उनका कहना है कि भाई मेरिट और नॉन मेरिट को एक समान मौका कैसे दिया जा सकता है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाई जब अभ्यर्थी ही आपस में लड़ेंगे तो इसका फ़ायदा शिक्षा विभाग उठाएगा, ये मामला कहीं ना कहीं फंसेगा कोर्ट में और नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लगेगा। क्योंकि प्रधान सचिव ने ये बयान जारी किया था कि 3 महीने के भीतर वो विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति कर देंगे। उन्होंने साफ तौर पर बात कही थी कि उनको उन्हें हाई स्कूल प्लस टू शिक्षकों की नितांत आवश्यकता है विद्यालयों में पढ़ाने के लिए। आपने पिछली वीडियो में सुना होगा दोस्तों, और इसमें देखिए साफ तौर पर कहा गया है कि नॉन मेरिट को शामिल करने का विरोध मेरिट वाले कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि नॉन मेरिट और मेरिट का लड़ाई जो है वो छिड़ रहा है। छात्रों ने आंदोलन की दी चेतावनी, 2021 तक की सभी रिक्तियाँ शामिल करने की गई मांग। तो चलिए देखते हैं अंत तक क्या लिखा है। सरकार के मेरिट और नॉन मेरिट को बराबर मौका देने के फैसले से मेरिट विद एसटीटी पास अभ्यर्थी नाराज हैं और आंदोलन की चेतावनी दी है। इनका मानना है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, इनका मानना है कि एसटीटी 2019 की पात्रता सह प्रतियोगी परीक्षा माना गया था, मेरिट में आए लगभग 30,000 छात्रों को नौकरी देने का वादा किया गया था। अब सरकार अधिसूचना जारी कर यह बात कह रही है कि नॉन मेरिट और मेरिट को समान मौका दिया जाएगा। एसटीटी 2019 को पात्रता से प्रतियोगी परीक्षा माना गया था, मेरिट में आए लगभग 30,000 छात्रों को नौकरी देने का वादा किया गया था। अब सरकार अधिसूचना जारी कर विदाउट मेरिट वाले क्वालिफाइड छात्रों को शामिल कर इसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, यह गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ है, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। आगे देखिए, सरकार 90% और 50% लाए छात्र को बराबर मानकर बहाली कैसे कर सकती है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं अब एक नया मामला सामने आ चुका है। अच्छा, सरकार बहाली को लटकाना चाह रही है। पटना में सचिवालय के पास मेरिट लिस्ट में रहने वाले छात्रों ने एक मीटिंग का आयोजन कर आगे की रणनीति पर चर्चा किया है। उनका मानना था कि, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है, उनका मानना है कि यह गुणवत्ता के साथ समझौता है, और साफ तौर पर उनका कहना है कि भाई सरकार जो है वो आखिर ऐसा फैसला कैसे ले सकती है। इधर देख सकते हो दोस्तों क्या लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, 2021 तक की सभी रिक्तियां शामिल करने की गई मांग। पटना टीटी एसटीटी उत्तीर्ण शिक्षक संघ ने 2021 तक के सभी रिक्तियों को बहाली में शामिल करने की मांग की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडेय पाठक ने कहा कि, दे सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, 2021 तक की सभी रिक्तियों को बहाली में शामिल करने की मांग की गई है। टीटी एसटीटी 2021 तक की रिक्तियाँ बहाली में मांगी गई, दे सकते हैं। संघ के प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडेय पाठक ने कहा कि अधिसूचना में 2011 एवं 2019 अभी एसटीटी सभी एसटीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को लाइफ टाइम वैलिडिटी का झुंझुना पकड़ा दिया गया, साथ ही सभी अभ्यर्थियों को 9,000 नियोजन इकाइयों का चक्कर लगाने के लिए मजबूर कर दिया गया है। साथ ही 2011 से 2019 के क्वालिफाइड मेरिट का क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट सबको, देख सकते दोस्तों यहाँ लिखा है, आपस में लड़ने को मजबूर कर दिया गया है। जो सफल नहीं हो पाए हैं और मेरिट लिस्ट में नहीं आए हैं, उन्हें मेरिट लिस्ट के बराबर कैसे, क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट सबको आपस में लड़ने को मजबूर कर दिया है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे साफ तौर पर लिखा है कि सरकार जो है वह अभ्यर्थियों को लड़ाना चाहती है। छात्रों ने आंदोलन की देखिए बड़ी चेतावनी दी है यहाँ पे। वहीं देखिए लिखे है, प्लस टू स्कूलों में नियुक्त होंगे कॉमर्स के शिक्षक, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो कॉमर्स के शिक्षकों की नियुक्ति का मामला भी अब सामने उभर के आ रहा है, और कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द कॉमर्स के शिक्षकों की भी नियुक्ति कराई जाएगी। आगे चलो देखते हैं दोस्तों, वहीं हम बात करें, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों, जल्द हाई स्कूल व प्लस टू में
नियुक्त होंगे कॉमर्स शिक्षक, तो एसटीटी में नहीं थे कॉमर्स के शिक्षक, तो कॉमर्स वालों के लिए भी एक अच्छी खबर अब उभर के आ रही है। जो लोग कॉमर्स वाले थे उनका साफ तौर पर कहना है कि अब कहीं ना कहीं जल्द हाई स्कूल और प्लस टू में कॉमर्स के शिक्षक भी देखने को मिलेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और अब वो कहीं ना कहीं नियुक्ति के लिए क्या जो कॉमर्स के शिक्षक हैं उनका उनको भी शामिल करने की जो मांग है वो कर रही है विभाग। तो अब देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल विभाग जो है तैयार है हाई स्कूलों में बहाली की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए, ठीक है। कहाँ कहाँ दिव्यांग के आवेदन पड़े सूची जारी, ये भी सूची जारी कर दी गई है कहाँ कहाँ। जैसे आपने सुना होगा कि जैसे ही पटना हाईकोर्ट से खबर आई थी उसके बाद दिव्यांग अभ्यर्थियों को मौका दिया गया था कि वो आवेदन के लिए उन्हें मौका दिया गया था, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये खबर सामने उभर के आई है कि कहाँ कहाँ दिव्यांग के आवेदन पड़े उसकी सूची जारी कर दी गई है। देख सकते हैं छठे चरण में 1.25 लाख शिक्षकों का होना है नियोजन, सूची सार्वजनिक होने से अभ्यर्थियों को होगी सुविधा, 75% इकाइयों ने नहीं पढ़े आवेदन। तो देख सकते हैं दोस्तों बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है, 41 पंचायत नियोजन इकाई में नहीं बनी मेधा सूची। ये बात भी कही जा रही है कि 41 ऐसे पंचायत नियोजन इकाई में जो है वो मेधा सूची अभी तक नहीं बनी है। 12 को होनी है काउंसलिंग। देख सकते हैं दोस्तों जिले के 300 पंचायत नियोजन इकाइयों में अभी तक देख सकते हैं शेड्यूल काउंसलिंग के लिए 12 जुलाई को कैंप लगना था, लेकिन इसमें से 41 पंचायत नियोजन इकाइयों ने अब तक मेधा सूची जो है जारी नहीं की है। देख सकते हैं ये भी एक समस्या सामने आई है कि काउंसलिंग की तारीख जो फिक्स कर दी गई है, लेकिन अभी तक देखिए कई सारी नियोजन इकाइयाँ ऐसी है जो मेधा सूची जारी नहीं की है जिन्होंने, ठीक है। विभाग की ओर से साल 2019 में शुरू की गई शिक्षक बहाली की प्रक्रिया के लिए नवंबर 20 तक कई बार मेधा सूची जारी करने के नियोजन इकाई ने समय दिया गया था। आप देख सकते हैं दोस्तों प्लस टू स्कूलों में नियुक्त होंगे कॉमर्स के शिक्षक, मांग है बच्चों को सिखाया जाएगा अब इंटरनेट का सुरक्षित इस्तेमाल। दे सकते हैं प्लस टू स्कूलों में कॉमर्स के शिक्षकों के खाली पदों पर नियुक्ति होगी, इसे लेकर जल्द प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है एसटीटी को लेकर, विभाग कहीं ना कहीं तैयार है और अब कहीं ना कहीं एक पेंच जो है ये सुलझ जाए मेरिट नॉन मेरिट का, उसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया तीव्र गति से आगे बढ़ेगी और नियोजन और नियुक्ति होगा। 1 से 5 तक के लिए प्रपत्र में देखिए पूरी रिक्तियां दे दी गई हैं, रिक्तियां मांगी गई हैं कक्षा 1 से 5 तक कुल कितनी रिक्तियां खाली हैं मांगी गई हैं, पंचायत का नाम, विद्यालय का नाम, वर्ग 1 से 5 तक में नामांकित सामान्य छात्र, 1 से 5 तक में कुल नामांकित उर्दू छात्र, 1 से 5 तक में कुल कार्यरत सामान्य शिक्षक, 1 से 5 में कुल कार्यरत उर्दू शिक्षक। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से जो रिक्तियाँ हैं वो मांगी गई हैं और कहा गया है कि बताया जाए कि कितनी रिक्तियाँ जो हैं वो खाली हैं, इसका पूरा का पूरा उन्हें विवरण जो है वो दिया जाए, क्योंकि सरकार चाहती है कि जब तक विवरण नहीं मिलेगा तब तक बहाली में ये पता नहीं लगेगा कितनी रिक्तियां खाली हैं ताकि उसकी नियुक्ति हो सके। तो पल पल जो भी अपडेट आएगी दोस्तों हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराने की कोशिश करते रहेंगे। ऐसे में चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए ताकि पल पल की पूरी अपडेट जो है वो आप तक आती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर से हाजिर होंगे हम। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।